नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा राज्य मेरा देश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। मेरा राज्य मेरा देश में बात तमाम राज्यों की बड़ी खबरों की हम करेंगे, लेकिन शुरुआत उन चार बड़ी खबरों के साथ कर लेते हैं जिन पर आज विस्तार से जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेरा राज्य मेरा देश की पहली खबर में आज आप देखिए कि 1034 करोड़ के पात्राचौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने शिवसेना कार्यकर्ता के सामने जमकर नौटंकी भी की। तो उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राउत के जले पर नमक छिड़कते हुए तीखा प्रहार कर दिया है। इसी पर आपको दिखाएंगे ईडी की हिरासत में संजय राउत, जेल में बनेंगे नवाब मलिक के पड़ोसी। मेरा राज्य मेरा देश की दूसरी खबर में आप देखिए एमवीए की सरकार जाते ही शिवसेना सांसद संजय राउत की हेकड़ी निकल चुकी है। ईडी के सामने एमवीए सरकार के चाणक्य की सारी चालाकी फेल हो गई। संजय राउत को हिरासत में लिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है। अब सवाल ये है कि पात्राचौल घोटाले में संजय राउत के बाद आखिर बारी किसकी है। इसी पर आप देखिएगा 1034 करोड़ का पात्राचौल घोटाला, चाणक्य की चालाकी हुई फेल। मेरा राज्य मेरा देश की तीसरी खबर में आज आप देखिए ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करप्शन मंडली में कितने लोग शामिल थे। पार्थ चैटर्जी के अय्याश मंडली का राज अब खुल चुका है। पार्थ चैटर्जी के कटमनी कैश लॉक को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता से ढाका तक पार्थ चैटर्जी के ब्लैक मनी से खरीदी गई कई बेनामी संपत्तियों के बारे में पता चल चुका है और पैसे को हवाला के जरिए बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। इसी पर आप देखिएगा पार्थ का अय्याश अड्डा, हवाला कारोबार बांग्लादेश से तार। मेरा राज्य मेरा देश की चौथी खबर में आप देखिए मदरसे में आतंक की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ जिहाद पढ़ाई का खुलासा हो चुका है। देश के 25 विद्वानों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके ऊपर छात्रों को जिहाद के लिए भड़काने वाली शिक्षा देने के आरोप लगे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवबंद से एक मदरसे पर छापा मारकर एनआईए की टीम ने आईसिस के एक ट्रांसलेटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आपको दिखाएंगे जिहाद की पाठशाला, मदरसे में आतंक की पढ़ाई। मेरा राज्य मेरा देश की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत के ऊपर ईडी का हंटर चल चुका है। 1034 करोड़ के पात्राचौल घोटाले में ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के सामने कैसे जमकर नौटंकी की, रिपोर्ट देखिए। संजय राउत पर चला ईडी का डंडा। ईडी की हिरासत में संजय राउत, जेल में बनेंगे नवाब मलिक के पड़ोसी। शिवसेना सांसद उद्धव ठाकरे के करीबी एमवीए सरकार के चाणक्य संजय राउत के ऊपर ईडी का डंडा चल गया है। पात्राचौल घोटाले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया। देखिए, सबको मालूम है क्या राजनीति चल रही है, सब जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है, सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत को लेकर जब ईडी और पुलिसकर्मी उन्हें लेकर निकले तो संजय राउत ने किसी हीरो की तरह जमकर एक्टिंग की। घर के बाहर इकट्ठा हुए समर्थकों का अभिवादन संजय राउत ने हाथ हिला कर किया। इतना ही नहीं, शिवसेना के भगवा साफे को लहराकर समर्थकों के बीच जोश तक भरा, साथ ही बीजेपी को चेतावनी देने की कोशिश भी की। संजय राउत की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर संजय राउत पर तीखा प्रहार किया। ट्वीट कर लिखा, संजय पांडे के बाद घोटालेबाज संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में। हैशटैग नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है
आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। आज सुबह जब संजय राउत गहरी नींद में सो रहे थे, तभी ईडी के अधिकारियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। संजय राउत से पात्रा चौल घोटाले के बारे में ईडी के करीब 12 अधिकारियों ने सवाल जवाब शुरू किया, लेकिन संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करें उसे मिटा नहीं सकते। 2007 में हुए 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी ईडी के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर मुंबई से सामने, वो आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने है। देर रात तक संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, ये इस वक्त खबर सामने है। अभी वो हिरासत में है, आज हो सकती है संजय राउत की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। देर रात तक बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। अभी मुंबई ईडी ऑफिस में पूछताछ जारी है। सीधा रुख कर रही हूं इस वक्त, मेरे सहयोगी हितेन मेरे साथ है। हितेन, क्या गिरफ्तारी हो सकती है संजय राउत की? क्योंकि वो प्रश्न चिन्ह जो था उसका जवाब तो संजय राउत हालांकि खुद भी दे चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाना है और मैं गिरफ्तारी दे भी रहा हूँ। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लवीना, सही कहा आपने, क्योंकि संजय राउत खुद भी जब भांडुप से रवाना हुए थे इसी बलाड स्टेट वाले ईडी दफ्तर के लिए, तब उन्होंने कहा था कि मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल हिरासत में लेकर ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है संजय राउत से इसी बलाड स्टेट वाले ईडी दफ्तर में। और सुनील राउत जो उनके भाई है वो कुछ देर पहले यहीं पे पहुंचे हैं। अभी उनके वकील देखिए कुछ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि ये पुख्ता जानकारी है जी हिंदुस्तान के पास सूत्रों के हवाले से कि आज देर रात तक संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पूछताछ में किसी भी तरह का सहयोग जो है संजय राउत कर नहीं रहे। देखिए 1000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम है और सवेरे 7 बजे से ईडी जो है लगातार घर पे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो पूछताछ में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें समन देकर यहाँ पे लाया गया। अब हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। उस तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए बैरिकेड के उस पार बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उनके जो भाई है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि अगर देर रात तक अगर संजय राउत अगर किसी भी प्रकार से कॉपरेट नहीं करते तो ईडी फिर गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश करके उन्हें हिरासत में लेकर जो है पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जब जब बुलाया गया एक ही बार आए, 3 बार समन भेजा एक ही बार आए, 2 बार दिल्ली में होने का हवाला दिया, जब मुंबई पहुंचे तो ईडी सीधे उनके घर पर जो है सवेरे 7 बजे पहुंची, पूछताछ शुरू की, एक साथ सभी ठिकानों पर संजय राउत के सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई, पूछताछ शुरू की और कई दस्तावेज भी जो है पता चल पा रहा है कि ईडी के हाथ लग चुके हैं। इसी आधार पर शाम को जो है फैसला लिया गया ईडी के अधिकारियों की तरफ से कि संजय राउत को अब समन देकर यहाँ ईडी दफ्तर पर लाया जाए, इसी दफ्तर पर, और अगर पूछताछ में फिर एक बार सहयोग नहीं करते तो हो सकता है कि देर रात तक संजय राउत को गिरफ्तार कर भी सकते हैं। यानी कि यहाँ से संजय राउत की मुश्किलें कम होने का निश्चित तौर पर नाम नहीं लेंगे। बने रहिए हितेन, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विरोधियों पर संजय राउत ने पलटवार कर दिया है, जो हंस रहे हैं वो पेड़े बाटे। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है, पेड़े बाटिए, मुझ पर हंसने वाले लोग बेशर्म है, संजय राउत की ओर से ये भी कहा गया। और ये संजय राउत ने तब कहा जब अधिकारी उन्हें ईडी दफ्तर लेकर पहुंचे थे और उसके बाद जब रिएक्शन संजय राउत दे रहे थे, सवाल किसी ने पूछा था कि क्या ये साजिश के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है, तो फिर संजय राउत ने पलटवार किया और कहा कि जो मुझ पर हंस रहे हैं अब उन्हें पेड़े बांटने चाहिए। पेड़े वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतो है, पेड़े वाटा, पेड़े बरगा महाराष्ट्रावर हल्ले होता है, पेड़े वाटा, अरे बेशरम लोक आहात तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। हितेन लगातार मेरे साथ है। हितेन, संजय राउत कह रहे हैं कि मुझ पर हंसने वाले बेशर्म हैं, महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। अगर साजिश के तहत किया गया है तो फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है ईडी के सवालों का जवाब देने में? फिर तो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए थे। बिल्कुल
बिल्कुल लवीना, यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले दिन से लगातार यही रवैया जो है संजय राउत का हमें देखने मिला। जब इसके पहले भी जब उन्हें समन भेजा गया था और उस वक्त जब उनसे पूछा गया था कि समन भेजा गया क्या, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो बोलते थे कि जाऊंगा, बिल्कुल पेश होऊंगा। लेकिन 3 बार समन भेजा गया और एक ही बार वो ईडी दफ्तर पहुंचे, उसके बाद में वो कभी पहुंचे नहीं। लेकिन जब जब यहां से कोई और अपडेट होगा, क्योंकि माना जा रहा है देर रात तक गिरफ्तारी संजय राउत की हो सकती है। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, उद्धव सरकार के जाते ही ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की अकड़ को ढीला कर दिया है। जो कल तक ईडी अधिकारियों को धमकी देते थे, आज वो ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। आज सुबह जब संजय राउत के घर पर ईडी का छापा पड़ा तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। पात्रा चौल घोटाला, संजय राउत के घर पर ईडी का छापा। अपनी सरकार का डर दिखाकर पात्रा चौल घोटाले में ईडी को डराने धमकाने वाले संजय राउत के घर पर ईडी ने छापा मारा है। हजारों करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में आज ईडी ने संजय राउत के 3 ठिकानों पर छापा मारा तो महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। संजय राउत के समर्थक उनके दादर स्थित घर के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए, हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। संजय राउत के घर के बाहर धरने वाले नहीं बैठे, क्या मतलब 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने आज सुबह शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत के 3 ठिकानों पर धावा बोल दिया। जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने यह सजा दी, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। संजय राउत का ईडी पर छापा तब पड़ा है जब वो पात्रा चौल घोटाले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी की छापेमारी के बाद संजय राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। घोटाले के आरोप पर दिवंगत बाला साहब ठाकरे तक के कसम खा लिए। ट्वीट कर संजय राउत ने लिखा, मेरी किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूँ, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, ये झूठे कार्रवाई है, झूठे सबूत है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो समर्पण नहीं करूंगा। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सवाल ये है कि अगर संजय राउत ने कोई गलती नहीं की है तो फिर ईडी की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और शिवसेना के बागी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत से यही सवाल पूछा है। ईडी ची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या आणि बघा, ते तर म्हणालेत ना मला मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे। त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते, आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच। त्यामुळे महाविकास आघाडीचे मोठे नेते होते। ईडी का छापा तब पड़ा है जब पात्रा चौल घोटाले की गवाह स्वप्ना पाटकर को धमकाते हुए संजय राउत का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो क्लिप में संजय राउत स्वप्ना पाटकर को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। मला शिकवते का तू? ऐकून घेतो म्हणून तू काय समजते तुझं मला?
वहीं अब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर 25 कंपनियों के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अगाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर है और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उद्धव सरकार की आड़ में छिपकर बैठे संजय राउत पर सरकार जाते ही ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी संजय राउत को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप देखिए, पार्थ चैटर्जी के कटमनी कैश लॉक के करप्शन मंडली का खुलासा होने के बाद अब पार्थ चैटर्जी का हवाला कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है। दुकान और साथ ही टेक्सटाइल कंपनियों के जरिए अवैध रूप से करोड़ों के करोड़ों रुपए बांग्लादेश भेजे गए। रिपोर्ट देखिए। पार्थ के कैश लॉक का बांग्लादेश कनेक्शन, बंगाल में काली कमाई, बांग्लादेश में संपत्ति बनाई, हवाला का लिया आड़, बनाया पैसों का पहाड़। पार्थ चैटर्जी के कटमनी के कैश लॉक में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। पार्थ के 10 फ्लैट का खुलासा हो चुका है, लेकिन मजे की बात यह है कि पार्थ और अर्पिता दोनों ईडी के छापे में मिले पैसे से खुद को पाक साफ बता रहे हैं। अर्पिता का घर पार्थ के लिए अय्याशी का अड्डा था। पार्थ के करप्शन लोक से अब तक 100 डंप पर करोड़ों रुपए, 10 फ्लैट, कई लग्जरी गाड़ियों के साथ विदेशों में संपत्ति का राज बाहर आ चुका है। ईडी की जांच में ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी ने कोलकाता से लेकर बीरभूम तक बेहिसाब संपत्तियां खड़ी की थी। पार्थ ने अर्पिता के लिए कई फ्लैट खरीदे थे, यहां तक कि बीरभूम में एक फार्म हाउस भी खरीदा था, कोलकाता में कई टेक्सटाइल कंपनियों में पैसा भी लगाया था। ईडी को पार्थ के बांग्लादेश में कई बेनामी प्रॉपर्टी होने का शक है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में पार्थ और अर्पिता की संपत्ति हो सकती है। हवाला के जरिए बांग्लादेश में संपत्ति बनाने की जानकारी ईडी को मिली है। हवाला कनेक्शन में कोलकाता के एक कपड़े की दुकान की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कपड़े की इस दुकान पर पार्थ चैटर्जी साड़ी खरीदने बार बार आते थे। ईडी सूत्रों का कहना है कि इसी दुकान से हवाला के जरिए बांग्लादेश में पैसा पहुंचाया जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि बांग्लादेश में हवाला से पैसे भिजवाकर वहां पार्थ और अर्पिता ने संपत्तियां खड़ी की हैं। कैश लॉक का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद अब ईडी विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहा है। कैश लॉक के बांग्लादेश कनेक्शन की गवाही दे रही है ये तस्वीर। ये तस्वीर तब की है जब अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और वहां बेहिसाब कैश मिला था। लेकिन इन नोटों के बंडल से झांकते इस बैग को देखिए, जिसमें एक शख्स की तस्वीर है। जूट के बैग में ये तस्वीर शेख मुजीबुर रहमान की है, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बंग बंधु के नाम से जाने जाते थे। मुजीब की तस्वीर वाला बैग अर्पिता के घर पर मिलने के बाद से ही कैश कांड के बांग्लादेश कनेक्शन के कयास लगाए जाने लगे थे और अब इस बाबत ईडी को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि काली कमाई का मलेशिया कनेक्शन भी सामने आ चुका है। ये खबर सामने आ चुकी है कि पार्थ चैटर्जी एक और महिला मित्र के साथ मलेशिया गए थे और ईडी को शक है कि वहां काली कमाई को ठिकाने लगाया गया था।
इस बीच मेडिकल के लिए जब ईडी की टीम पार्थ चैटर्जी को अस्पताल लेकर गई तो उन्होंने अर्पिता के ठिकानों पर मिले पैसों से पल्ला झाड़ लिया। जी हिंदुस्तान के सवालों पर पार्थ चैटर्जी ने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है। पार्थ चैटर्जी ने ये भी कहा कि इन पैसों से मेरा कोई संबंध नहीं है। पार्थ का ये कहना था कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। अर्पिता मुखर्जी पहले ही कह चुकी है कि ये पैसा पार्थ चैटर्जी का है और उनके लोग ही ये पैसे लेकर उनके फ्लैट पर रखते थे और अब पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं कि पैसा हमारा नहीं है। मतलब साफ है कि अर्पिता और पार्थ दोनों पैसों के सोर्स को लेकर सवाल टाल रहे हैं और पहेलियां बुझा रहे हैं। और इधर गलाकाट और आईसीएस के बीच गठजोड़ सामने आने के बाद एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए की छापेमारी में मदरसे में आतंक की पढ़ाई का खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश के देवबंद के मदरसे से एक आईसीएस के ट्रांसलेटर को पकड़ा है जिसका काम था आईसीएस के धमकियों को भारत में सर्कुलेट करना और धार्मिक भावनाओं को आहत कर दंगा कराना। मदरसे में आतंक की पढ़ाई, 6 राज्य 13 जगहों पर एनआईए का छापा। गलाकाट गैंग की साजिश और हिंदुओं की हत्या करने वाले, भारत को दंगे की आग में झोंकने का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। गलाकाट गैंग और आईएसआईएस मॉड्यूल में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम एक साथ 6 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में एनआईए की टीम ने एक ऐसे मदरसे पर छापेमारी की जहां आतंक की पढ़ाई की जाती थी। एनआईए की छापेमारी से देवबंद में हड़कंप मच गया। एनआईए ने मदरसे से फारूक नाम के एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा। आरोपी मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है और देवबंद में मदरसे में रह रहा था। एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर जनपद के देवबंद से एक संदिग्ध फारूक, जिसका नाम है और कर्नाटक का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि सहारनपुर के देवबंद में आज पुलिस एटीएस ने सुबह ही सुबह दबिश डाली और एक फारूक नाम के छात्र को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक मदरसे में पढ़ने वाला संदिग्ध आतंकी टेलीग्राम एप्स के जरिए आईएसआईएस मॉड्यूल के संपर्क में था। ये आतंकवादियों के ट्रांसलेटर का काम करता था। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ आपत्तिजनक चीजों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर कर रहा था। फारूक जिस संगठन से जुड़ा था उसका कनेक्शन बांग्लादेश से है। जिहादी गलाकाट गैंग और आतंकी संगठन आईएसआईएस की साठगांठ का खुलासा होने के बाद एनआईए ने ये छापेमारी की है। एनआईए ने बिहार के अररिया, एमपी की राजधानी भोपाल, गुजरात के सूरत और भरूच, यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी की। 15 अगस्त से पहले सहारनपुर के देवबंद से पकड़े गए आतंकवादियों के ट्रांसलेटर फारूक से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है और संदिग्ध आतंकी भारत में आईएसआईएस की साजिश का राज एक एक कर खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इसी के साथ मेरा राज्य मेरा देश में यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 2024 में जीत की रणनीति पर सीएम योगी ने मंत्र दिया। बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लेखपाल भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाइयों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ कानपुर समेत 6 जिलों से 23 आरोपी गिरफ्तार हुए। दूसरे अभ्यर्थियों की जगह दे रहे थे परीक्षा। सहारनपुर के देवबंद के मदरसे में एटीएस का छापा। कर्नाटक के रहने वाले फारूक नाम के छात्र को हिरासत में लिया गया। प्रतिबंधित संगठन से जुड़ने और बांग्लादेश कनेक्शन की बात आई सामने। बाराबंकी में सिटी लॉ कॉलेज मैनेजमेंट की दादागिरी। छात्रा से छेड़छाड़ और घसीटकर कॉलेज से बाहर करने का आरोप। प्रबंधक के बेटे और उसके दोस्तों पर दर्ज हुआ केस। रायपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में मिशन 2023 पर जोर रहा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बघेल सरकार परिवार। 7 मामलों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ के से गुजरने वाली 28 ट्रेनें फिर से की गई रद्द। इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 1 से 3 अगस्त तक ट्रेनों पर ब्रेक, स्पेशल, मेमू और साथ ही एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल। पटना में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर फिरोज आलम पर शिकंजा कसा। ईओयू की टीम ने दिल्ली और पटना में छापा मारा। आय से करीब 92% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। पटना के विक्रम में निसरपुरा स्कूल में प्रधानाध्यापिका के साथ बदसलूकी। स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। जयपुर के रेनवाल में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 3 है।
रिपोर्ट देखिए। जिहाद की पाठशाला पर ताला कब? सवालों के घेरे में एएमयू, जामिया और हमदर्द। प्रधानमंत्री से जिहादी शिक्षा बंद करने की गुहार। देश के प्रतिष्ठित और बड़े शिक्षा संस्थानों में एक बार फिर से पाठ्यक्रम को लेकर विवाद हो चुका है। एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। देश के 25 विद्वानों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इन पर जिहाद के लिए भड़काने वाली शिक्षा देने का आरोप लगाया है। मैं इस वक्त जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में हूँ, जिसका नाम भी इस पत्र में लिखा है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी इस मौलाना की तमाम तकरीरों को पाठ्यक्रम में रखा गया है और कहीं ना कहीं उसके जरिए छात्रों को, युवाओं को भड़काया जाता है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय में मौलाना महमूद मौदूदी को लेकर विवाद गहरा चुका है। मौलाना महमूद मौदूदी वो इस्लामिक स्कॉलर है जिन्होंने जिहाद के नाम पर ढेरों तकरीर दी थी और उन तकरीरों का इस्तेमाल तालिबान और बगदादी जैसे आतंकी संगठनों ने कई बार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चिट्ठी लिखकर मांग की गई है इन यूनिवर्सिटीज में से मौलाना महमूद मौदूदी के पाठ्यक्रम को हटाया जाए। जहरीले पाठ्यक्रम इतने रिस्पेक्टेबल हो गए हैं क्योंकि भारत सरकार की मान्यता इनको मिलती है, तो हमने ये कहा है कि इनका केवल पाठ्यक्रम से निकालना ही जरूरी नहीं, पर ऐसी सभी किताबें बैन होनी चाहिए, उनकी प्रिंटिंग, उनकी सर्कुलेशन, उनकी खरीद और बिक्री बैन होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हैरत होती है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी देश में जिहादियों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे जिहादी जो आतंकियों के गुरु हैं, हमारी मांग है सरकार इसे तुरंत हटाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी केंद्र सरकार से मांग है और संबंधित राज्य सरकारों से भी मांग है, सख्ती करें और इन दोनों विश्वविद्यालयों में केवल मौलाना मौदूदी की ही नहीं अलगाववादी विचार की जितनी भी पुस्तकें हैं सब हटा देनी चाहिए। जाहिर है एक ऐसे जिहादियों के बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा देना जो अपने आप में विवाद का विषय है, जिसे लेकर अब चारों तरफ विवाद भी शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस चिट्ठी पर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए 49 लाख कैश के साथ झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पकड़े जाने के बाद इसको लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी उबाल मचा हुआ है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कोर्ट ने तीनों विधायकों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। रिपोर्ट देखिए। कैश कांड पर बंगाल से दिल्ली तक बवाल, कैश के साथ 3 कांग्रेसी विधायक गिरफ्तार, लाखों की साजिश के पीछे किसका हाथ? नाम इरफान अंसारी, पद विधायक जामताड़ा झारखंड। नाम राजेश कच्छप, पद विधायक खिजरी झारखंड। नाम विक्सल कोंगारी, पद विधायक कोलोबिरा झारखंड। इन चेहरों को पहचान लीजिए, ये कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे हैं। कैश कांड के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तीनों विधायकों पर कार्रवाई की है। तीनों को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जब सबूतों के साथ में हर चीज सामने आती है तो उसको नजरअंदाज करना उचित नहीं होता, और कोई भी बीमारी इससे पहले की शरीर के अन्य अंगों में फैले उसको अगर हम जल्दी उसका इलाज कर दें तो ज्यादा बेहतर। हावड़ा में शनिवार को एक SUV से 49 लाख कैश बरामद किया गया था। विधायक इरफान अंसारी की कार से कैश मिला। कार में अंसारी के अलावा कोंगारी और कश्यप भी बैठे थे। नोट गिनने की मशीन से कैश की गिनती हुई। हावड़ा कैश कांड की जांच अब पश्चिम बंगाल CID को सौंप दी गई है। अब तक हावड़ा कैश कांड में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विधायकों के साथ गाड़ी के ड्राइवर और एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब विधायकों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। पश्चिम बंगाल के एक बड़े व्यवसायी के साथ एक और व्यक्ति से रांची में पुलिस ने पूछताछ की।
अपनी पार्टी के विधायकों के पास से पैसे मिलने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बेनकाब हो गया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में भी वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने गिरफ्तार विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। आज की तारीख में बता दूं कि झारखंड सरकार को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले 4 महीनों से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है या ईडी के माध्यम से अन्य संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से एक आतंकित करने का, डराने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, उसके चलते हुए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये तो कोई मेरा बयान नहीं है, पूरे देश का बयान है। जो जितनी इंस्टांस सामने है, जो प्रथम दृष्टया एक आरोप बनता है, जिस तरह से गुवाहाटी और आसाम के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ भी एक प्रयास किया जा रहा है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। हालांकि गिरफ्तार विधायकों का कहना है कि वो कोलकाता से साड़ी खरीदना चाहते थे, इसीलिए अपने साथ कैश लेकर चल रहे थे। वहीं इरफान अंसारी के रिश्तेदार कांग्रेस के उन दावों पर भी सवाल उठा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इन पैसों के जरिए सरकार गिराने की साजिश थी। बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है, साथ ही आरोप लगा रही है कि जहां जहां कांग्रेस सरकार में होती है वहां लूट मचती है। जहां जहां टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है वहां पर पैसों की बरसात हो रही है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस सच का पता लगाने में जुटी है। आखिर विधायकों के पास इतना कैश कहां से आया और उसे कहां ले जाया जा रहा था, और सबसे बड़ी बात ये कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ आप देखिए पूरे देश में कैश कांड ने हड़कंप मचा रखा है, तो दूसरी तरफ जिहादी साजिशों की पोल खोलने के लिए एनआईए भी अब पूरी तरीके से एक्शन में है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने भी पीएफआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हाल ही जिहादी घटनाओं के नाम आने के बाद पीएफआई पर बैन लगाने की मांग रख दी है। देश भर में हो रही ऐसी कट्टरपंथी साजिशों में पीएफआई का नाम आने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हम पीएफआई के बैन के लिए पिछले 2 साल से सूफी सजादा नशीन काउंसिल डिमांड कर रही है, और हम फिर से एक बार हमारे गृह मंत्री से अजीत डोवाल साहब से यही बोल रहे हैं, और हमारे रेजोल्यूशन में ये बात है कि पीएफआई पर इमीडिएटली बैन लगाए। दिल्ली में शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें पीएफआई पर चर्चा की गई। काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने सिरतन से जुदा के नारे को इस्लाम विरोधी बताया। एक तो इस सरतन से जुदा के जो नारे लगाए जाते हैं ये एंटी इस्लामिक है, एंटी रिलीजियस लोगों ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और उन्हें रास्ते पर लाने का काम धर्मगुरु ही करते हैं। जिसको कुछ लोग गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। दिल्ली में हुई इस कॉन्फ्रेंस में पीएफआई के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं का गुस्सा खुलकर सामने आया और इस संगठन को बैन करने की आवाज भी बुलंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और फिर 2 लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी एक बार फिर से भगवान कामतनाथ की शरण में है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और इसके लिए चित्रकूट में अपने एजेंडे पर धार लगाने में भी जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी। चित्रकूट से विजय अभियान का आगाज, सीएम योगी ने दिया जीत का भगवा मंत्र। बीजेपी ने अपने 3 दिवसीय शिविर को भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित कर इसके जरिए कई सियासी संदेश दे दिए हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी अपने एजेंडे को धार देने में जुट चुकी है। 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस यूपी पर है, जहां भगवा बाबा ने पीएम मोदी से वादा किया है कि वो इस बार 80 में से 80 सीट जीतकर उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।
चित्रकूट शिविर के पहले दिन बीजेपी के नेताओं ने कामता नाथ जी की सामूहिक परिक्रमा की और दूसरे दिन मां मंदाकिनी की सामूहिक आरती कर सियासी संदेश अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दे दिया। इस उधार देने के लिए बीजेपी भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला रही है, जहां सीएम योगी ने सुशासन की ओर बढ़ रहे यूपी से जुड़ी जानकारी दी है। 2019 की जंग में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा था। 2024 में राम की आध्यात्मिक विरासत की चेतना को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत के मंथन के लिए बीजेपी ने अगर चित्रकूट को चुना है तो इसके पीछे की वजह बहुत साफ है। 14 साल के अपने वनवास काल में भगवान राम ने करीब 12 साल इसी चित्रकूट में बिताए थे। बीजेपी अयोध्या और चित्रकूट की मजबूत पृष्ठभूमि बनाकर अपराध मुक्त सुशासन युक्त योगी मॉडल का हवाला दे रही है। बीजेपी को पता है कि साल 2024 में भी अगर यूपी की जनता का आशीर्वाद कायदे से मिल गया तो जीत की हैट्रिक तो लग ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर दिल्ली की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला आ चुका है कि फिर से लागू होगी पुरानी आबकारी पॉलिसी। 6 महीने के अंदर लाई जाएगी नई नीति। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नई शराब नीति से शराब कारोबारी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन दिल्ली में दारू के ठेकों को लेकर मचा विवाद अब खत्म होने जा रहा है। राजधानी में नई शराब नीति लागू नहीं होगी और 1 अगस्त से अगले 1 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखा जाएगा। नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट्स शराब ना बेच पाए। दिल्ली सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 वापस लेगी, जिसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया था, और पुरानी 2021-22 की पॉलिसी को ही फिलहाल लागू रहने देगी, जिसे मार्च के बाद 2-2 महीने का एक्सटेंशन देकर अब तक 2 बार बढ़ाया गया। अब आगे अगले 6 महीने के अंदर नई पॉलिसी लाए जाने की संभावना है। नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, और जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की वजह से अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी लागू करने के मामले में हुई कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। उपराज्यपाल ने इसके लिए मुख्य सचिव की जिस रिपोर्ट को आधार बनाया उसमें कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया, नियमों के अनदेखी का टेंडर दिए गए और जिससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ की गई, जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करते हुए कई नियमों, प्रक्रियाओं और एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन किया। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था। इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर पिछले दिनों जमकर सियासत हुई और सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा। जेल से हमें डर नहीं लगता, तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पिछले 17 नवंबर को लाई गई थी। सरकार का दावा था कि इससे करोड़ों का राजस्व मिलेगा और शराब माफिया पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और ये सीबीआई जांच के घेरे में आ गई, और जिसके चलते इस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ मेरा राज्य मेरा देश में आज के लिए बस इतना ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद बोले संजय राउत, ये शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है, किसी भी हाल में झुकूंगा नहीं। मैराथन पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की सख्ती के बावजूद संजय राउत के तेवर बरकरार, घर से बगवा गमछा लहराते निकले शिवसेना सांसद। ईडी की हिरासत में ले जाने के बाद संजय राउत का पहला रिएक्शन, आप उसे हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता। हावड़ा कैशपान में गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को रिमांड, कोर्ट ने 10 दिन के सीआईडी रिमांड में भेजा, भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए थे 3 विधायक।
हावड़ा केस कांड में कांग्रेस के तीनों विधायक निलंबित किए गए। सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को निलंबित किया। अर्पिता मुखर्जी के पास मिले कैश को लेकर बोले बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी, छापे में मिले पैसे मेरे नहीं है। पार्थ अर्पिता के बांग्लादेश कनेक्शन की जांच तेज हुई। बांग्लादेश में हो सकती है पार्थ अर्पिता की संपत्ति। कपड़े की दुकान से हवाला कारोबार, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रस्तुतकर्ता